हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एवोल्यूशन में। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न के बारे में। टीवी जिसका आविष्कार सन 1925 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किए हुए आज लगभग 100 साल हो चुके हैं और इन 100 सालों में टेलीविज़न में क्या क्या बदलाव किए गए आज हम उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टीवी का आविष्कार सन 1925 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। पहले वर्किंग मैकेनिकल टीवी का निर्माण सन 1927 में किया गया, जिसे लोगों के सामने सन 1928 में प्रस्तुत किया गया। यह टीवी एक ऑक्टागन के आकार की होती थी, जिसके राइट साइड में एक छोटी डिस्प्ले और एक बड़ा सा कैबिनेट होता था। यह टीवी आज की तकनीक के हिसाब से बहुत ही साधारण थी। इस टीवी की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिस कारण चेहरे को पहचान पाना मुश्किल था। 1930 इस दशक में हमें टीवी की वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सुधार देखने को मिला, जिस कारण हम फेशियल एक्सप्रेशन को आसानी से समझ सकते थे। इस दशक में हमें कई प्रकार के टीवी देखने को मिले, जैसे बेयर्ड टीवी, मार्कोनी 405, स्कैन लाइन आदि। उन्नीस सौ चालीस के दशक में हमें टीवी की वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। इस समय टीवी की स्क्रीन का साइज सिर्फ 12 इंच था, इसलिए स्क्रीन के साइज को बढ़ाने की तकनीक पर काम शुरू किया गया। 40 के दशक के कुछ प्रमुख टीवी इस प्रकार हैं। पचास के दशक में हमें टीवी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव कलर टीवी के रूप में देखने को मिला, जिसने टीवी को एक नई पहचान दिलाई। परंतु इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण यह केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गई। 1960 के दशक में कलर टीवी के रंग में सुधार कर उसे और चमकीला बनाने के साथ साथ उसके रेट में भी कमी आई, जिससे यह अब निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी बाजार में आसानी से उपलब्ध था। 60 के दशक में टीवी के क्षेत्र में एक नया आविष्कार रिमोट कंट्रोल के रूप में दिखाई दिया, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति टीवी से दूर खड़ा होकर उस रिमोट के द्वारा टीवी को कंट्रोल कर सकता था। 1970 के दशक में टीवी को ज़रूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया, इसे आसानी से सर्किट बोर्ड के द्वारा अपग्रेड किया जा सकता था। इस समय के टीवी किसी रंगीन खिलौने के जैसे दिखाई देते थे। 70 के दशक में केशियो नाम की कंपनी ने एक पोर्टेबल टीवी बनाया, जिसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता था। यह वही केशियो कंपनी थी जिसके आज हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, उदाहरण मैग्नावॉक्स, मोटोरोला, फिल्को, केशियो पॉकेट टीवी आदि। 1980 के दशक में फर्नीचर युक्त टीवी का अंत हुआ और इन्हें बड़ी स्क्रीन वाली स्पेस कमांड टीवी से बदल दिया गया। 80 के दशक में हमें पहला एलसीडी टीवी देखने को मिला, जो कि छोटा और पिक्सल युक्त था। पोर्टेबल सीटीआर टीवी को और अधिक किफ़ायती बनाने के साथ साथ इसमें एडिशनल फंक्शन जोड़े गए, जैसे FM रेडियो आदि। 1990 के दशक में टीवी और VCR का कॉम्बो बहुत अधिक पॉपुलर हुआ, जिसमें FM रेडियो और VCR शामिल था। 90 के दशक में हमें फ्लैट HD टीवी की तकनीक से रूबरू हुए। इस समय HD टीवी की कीमत लगभग $7,000 के आसपास थी।
LED में HD चैनल्स होने के कारण यह प्लाज्मा को टक्कर दे रहा था। इस दशक के अंत में हम LED TV से रूबरू हुए, जो कि स्मार्ट HD TV थे। इन्हें आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता था, इसलिए यह हर चीज़ में LCD और प्लाज्मा से सर्वश्रेष्ठ था। दो हज़ार दस के दशक में हमें मनी और टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। इस दशक में हम 4K LED 3D TV से परिचित हुए, जिसने हमारे TV देखने के एक्सपीरियंस को बदल दिया था। अब हमें वीडियो और ऑडियो की बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही थी। अभी के TV इतने पतले हो गए थे कि उनकी मोटाई सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के बराबर रह गई थी। 2018 की QLED TV का सबसे चौंकाने वाला फीचर्स यह एम्बिएंट फीचर्स था। इस फीचर्स के द्वारा TV की स्क्रीन को डिजिटल क्लॉक या वॉलपेपर के रूप में बदल कर डेकोरेशन के रूप में सजा सकते थे। हम 2020 में पहुंच चुके हैं और हमें अभी और नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होना बाकी है। आने वाले समय में हम रोलेबल और ट्रांसपेरेंट TV देखने को मिलेगी। TV की खासियत यह होगी कि जब इसे ऑन करेंगे तो यह एक छोटे से बॉक्स से निकलेगी, और जब इसे ऑफ किया जाएगा तो यह वापस उसी बॉक्स में चली जाएगी। वहीं ट्रांसपेरेंट TV की खासियत यह है कि इसके आर पार आसानी से देखा जा सकेगा। अभी इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और उतनी तेज़ी से TV। आपको क्या लगता है नेक्स्ट चेंज क्या होगा हमारी TV में? उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।